गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी सेकंड पढ़ाऊंगी, पार्ट ए, भाषा लिपि और व्याकरण। ओके, मैंने आपको बेटा ये चैप्टर आपको पढ़ा दिया, वैसे तो इसे मैंने आपको टिक द करेक्ट और रिक्त स्थान आपको लास्ट वीडियो में समझाए थे। आज मैं आपको क्वेश्चन 3 समझाऊंगी, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। तो फर्स्ट है आपका का हिंदी, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी होती है? हिंदी भाषा की लिपि होती है आपकी देवनागरी। ओके, मैंने आपको चैप्टर में भी समझाया था। खैर, आपकी अंग्रेजी, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन। ओके, रोमन। संस्कृत भाषा की भी लिपि देवनागरी ही होती है, देवनागरी। ओके, घ है आपका उर्दू, उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है। ओके, फारसी। और फैके यहाँ एक ये बिंदी लगाएंगे, इसे नुक्ता कहते हैं बेटा, नुक्ता। द है आपका पंजाबी की होती है गुरुमुखी, गुरुमुखी। पहले बेटा आप अच्छे से समझ लेना, तभी ये कॉपी पे वर्क करना होगा। 5-4 क्वेश्चन है बेटा, आपका पिक्चर है तो उनके नाम लिखने हैं आपको कि ये कौन सी भाषा का यूज कर रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन 4 ये है। ओके, तो ये मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, ये लिखना। जिन बच्चों के पास बुक है वो फिल कर लेना, जिनके पास नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको वीडियो में समझा दिया कि मौखिक भाषा कौन सी होती है और लिखित भाषा कौन सी होती है। ओके, क्वेश्चन 5 आपके प्रश्न उत्तर का प्रश्न है आपका, भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद हैं। ओके, भाषा किसे कहते हैं, मैंने ये भी आपको समझाया था। वह भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ओके, मतलब कि आपके मन में कोई बात है कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं, पेन लेना है, या मुझे ये काम करना है, तो जब तक